क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट सेलेरी के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है ये लोग निकल चुके होते हैं शहर की ओर और वहां पहुंचने ही वाले होते हैं। सिटी का जो व्यू होता है वो देखने को मिलता है और वो जगह काफी ज्यादा बड़ी होती है और खूबसूरत भी। लूशियली इन सारी जगह को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। उसके साथ में जो बीस्ट होता है वो पूछ रहा होता है क्या तू सीधे चर्च जाएगा या फिर कहीं और। ये कहता है कि मेरे पास सब्सटेंस एक्स खत्म हो चुका है, तो पहले मैं चाहता हूँ एक्स लेना और एडवेंचर गिल्ड जाना चाहूंगा। म्यूचुअल जो होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है और वो चाहता है कि उसके साथ ये आए क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो उसको पिक कर सकते हैं। जो बजान होता है वो उसके साथ जाने वाला होता है और अंदर देखने को मिलता है जाता है सारे लोग। जो ये एडवेंचर गिल्ड होता है वो टोटली वहाँ वाले एडवेंचर गिल्ड की तरह ही होता है और कोई भी अंतर होता नहीं है। अंदर जाके देखने को मिलता है एक रिसेप्शनिस्ट होती है, वो वेलकम करती है और म्यूचुअल जो होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद ये लोग मिलना चाहते हैं यहाँ के जो मास्टर होता है उससे। बजान जो होता है वो बताता है कि इसे रिसेप्शनिस्ट को हल्के में ना ले क्योंकि ये लगती नॉर्मल है लेकिन ये इतनी पावरफुल है जितना मैं। उसके बाद यहाँ का जो मास्टर होता है वो आता है और ये अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम बताता है और बताता है कि वो एक हीलर है, जिसको सुन के वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और बजान जो होता है वो बताता है कि वही इंसान है जो एडवेंचर गिल्ड में रहता था मेरे टोनी के अंदर। मास्टर जो होता है वो कहता है कि मैं बैट करता हूँ कि तू यहाँ हेलो करने तो नहीं आया होगा, और बजान उसको फिर छोड़ के चला जाता है और कहता है तू अपना ऑर्डर यहाँ देख सकता है। लूशियल जो होता है वो कहता है कि मुझे चाहिए सब्सटेंस एक्स, जिसको सुनकर सारे लोग शॉक में हो जाते हैं। 3 लार्ज बैरल मांगता है और सारे लोग इस चीज को देख के एकदम स्टॉक में रहते हैं। यहाँ का मास्टर होता है वो कहता है अगर तुझे वो चीज सही है तो पहले हमें पी के दिखा कि तो उसको हैंडल कर सकता है, तभी मैं उसको दूंगा। और इसको एक ग्लास दिया जाता है और ये हैंडल कर लेता है, पी लेता है। सारे लोग इस चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक में रहते हैं और इसको मॉन्स्टर कह के पुकारते हैं और 3 लार्ज बैरल इसको दे दिया जाता है और ये बोलने लगता है कि मैं वापस आऊंगा जैसे ही खत्म हो जाएगा। मास्टर जो होता है वो पूछता है कि लूशियल तू सच में हीलर है और क्या ये सच है कि तू 1 सिल्वर कॉइन के बदले लोगों को ट्रीट करता है? तो ये कहता है कि हाँ, एडवेंचर गिल्ड में यही करा करता था और यहाँ पे मैं वही चीज करूंगा अगर लोग मेरे को ट्रेवल नहीं करेंगे तो। उसके बाद ये पहुंच जाता है हीलर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर में, जो कि बहुत ही बड़ी जगह होती है, और उसको देख के इसको शॉक लगता है। और बजान और बाकी लोग जो होते हैं वो थैंकफुल होते हैं कि इसने उसको बचाया था और उसके बाद वो लोग भी वहां निकल पड़ते हैं। चर्च के अंदर ये जाता है, चर्च का दरवाजा खोलता है, अंदर जाके देखता है चर्च जो होती है बहुत बड़ी जगह होती है। रिसेप्शनिस्ट वहां पे रहती है, उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो पूछता है वो सुपरवाइजर से बात कर सकता है, तो वो लोग क्रिस्टल बॉल निकालती हैं और टेलीपैथी से कम्युनिकेट करती हैं। उतने में देखने को मिलता है एक ग्रैंड हार्ट नाम का एक प्रीस्ट आ जाता है, इसने समन किया होता है इन लोगों को यहाँ। उसके बाद ये जादू वाले एलिवेटर के अंदर घुस जाते हैं, मूव करने लगते हैं और पहुंच जाते हैं एक जगह के ऊपर। वहां पे देखने को मिलता है जो लुमिना होती है वो आ रही होती है और लुमिना इसको पहचान जाती है। हालांकि इसका नाम जो होता है इसको याद नहीं होता है, लेकिन जो इसका मॉन्स्टर लंग सेंस होता है वो काम कर रहा होता है और फिर से दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कह रहा होता है मेरे टोनी भी जितनी तरह मेरी हेल्प की थी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर जो लुमिना होती है वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि तू अभी आया है, तो तू इसके बाद यहाँ से मिलने के बाद सब चीज करने के बाद मेरे रूम पे आ सकता है, उनसे बात कर सकता है। उसके बाद वो जो प्रीस्ट होता है उसको अपने साथ लेता है और जाने लगता है और इसको पहुंचाता है एक कमरे में और कह रहा होता है कि ये एक लेटर है जो कि आया है मेरे टोनी ब्रांच से और मैं एक्चुअली में सरप्राइज था इसको देख के। ये क्लेम करता है कि तू ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, डैमेज करता है बाकी हीलर्स के बिजनेस को और वो जानना चाहता है सारी चीजों के बारे में। फिर लूशियल जो होता है कि करके सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है और वो कहता है तू क्या एडमिट करता है अपने क्राइम को, तो लूशियल जो होता है वो सारी चीजें बताने लगता है कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही थी वहाँ पे, जिसके बाद इसने ट्रीट किया था लोगों को और इसकी वजह से यह सारी चीजें हुई। उसके बाद ये जो सिचुएशन होती है वो इसको क्लियर हो जाती है और कह रहा होता है कि मैं अब तेरे को असाइन करता हूँ चर्च के अंदर सेंट शोरियल स्पिरिचुअल ट्रेनिंग यूनिट के अंदर और इसको पोजीशन दी जाने वाली है डेकॉन की और एग्जॉटिक। कल से इसको इसके लोकेशन दिखाई जाने वाली होती है जहाँ पे जाएगा और काम करेगा और इसको मिलने वाले होते हैं महीने के 20 गोल्ड कॉइन यानी कि 20 मिलियन येन के बराबर ये होता है। फिर लुमिना का रूम दिखाया जाता है, लुमिना के पास जाता है लूशियल, लूशियल भी इसके साथ बैठता है चाय पे बात करने लगता है और वो बताने लगता है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आया था, जिसके बाद वहाँ की वो पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि एग्जॉटिक का काम उसे मिला है अंडेड। लुमिना समझ जाती है कि ये जो असाइनमेंट दिया गया है इसको डेंजर में डालने के लिए दिया गया है और बताने लगती है कि वो एक ओल्ड सेमेंट्री है जहाँ पे अंडेड मिलते हैं। हालांकि कुछ डिकेट पहले उसको एक लेबरिंथ में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, वो जो जगह है वो एब्जॉर्ब कर देती है डिजायर और क्रज ऑफ लिव। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर जरूर हैं लेकिन लूट भी तुम्हें मिलती है, वो जगह फुल ऑफ सरप्राइजेस है। और उसके बाद जो लूशियल होता है वो चीजें बताने लगता है और कहने लगता है कि मैंने 2 साल तक बहुत पढ़ाई की है और मुझे सारी जानकारी है और वो पूछने लगता है किस तरह के मॉन्स्टर यहाँ प्रेजेंट
स्केलेटन है वो बताने लगती है। स्केलेटन हैं, ज़ॉम्बीज हैं और गोस्ट हैं। हालांकि इनको वाइप आउट करने का सिंपल तरीका है, जो तुम्हारा मैजिक है होली प्यूरिफिकेशन स्पेल उस पर इस्तेमाल कर सकता है। और उस लेबरिंथ के अंदर बहुत सारा ट्रेजर मिल सकता है, अगर तू बहुत ज्यादा लकी हुआ तो मे बी एक बहुत बड़ा ट्रेजर मिले। साथ ही साथ वहाँ कुछ जो ड्रॉप्स होते हैं वो भी हैंड होते हैं, जिसको तो एक्सचेंज कर सकता है यहाँ पे किसी चीज के बदले में चर्च के अंदर। हालांकि ज़ॉम्बी के काटने से यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता है, लेकिन हाँ पॉइजन जरूर होता है उनके अंदर। साथ ही साथ जो लुबिना होती है वो बताने लगती है कि ये जो जगह है ये स्मेल करती है बहुत टेरेबल। हालांकि लुशियल को ये कुछ भी नहीं होने वाला होता है क्योंकि उसको आदत होती है सब्सटेंस एक्स। उसके बाद लुबिना के जाने का टाइम हो जाता है, वो उसको बाय बोल के वहां से चली जाती है। लुशियल को ये पता होता है कि उसको होली सिटी में क्यों बुलाया गया है और वो उसको यहाँ पे क्या करना है, और वो कुछ भी करने वाला है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। अगले दिन देखने को मिलता है कि लुशियल जो होता है थोड़ा सा लेट हो जाता है और उसके साथ जो एक लड़का होता है जॉर्ड नाम का, वो कहता है मुझे पता है ग्रैंड हार्ट ने तुझे टाइम नहीं बताया होगा, तू भी इसलिए लेट हो रखा है। और वो अपना नाम बताने लगता है, उसका नाम है जॉर्ड, वो यहाँ का प्रिकर्सर है। ये अपना नाम बताता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद जो ग्रैंड हार्ट होता है वो कहता है कि ये जो रॉब है ये तू ले, और साथ ही साथ एक चीज और उसको दी जाती है और कह रहा होता है हीलर और नाइट जो यहाँ पे है हेडक्वार्टर में ए लेवल या उससे ऊपर वाले उनको ये चीज मिली होती है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, 10 प्लेटिनम कॉइन का होता है, तो इसको संभाल के यूज करना। साथ ही साथ वो इसको एक कार्ड देने लगता है, हालांकि वो कार्ड उससे पीछे छीन लेता है और कह रहा होता है कि मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि इस चीज का इस्तेमाल करके तू एलिवेटर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर तू कोई ट्रेवल करेगा तो ये कार्ड जो है वो तेरे से ले लिया जाएगा, साथ ही साथ तुझे पनिशमेंट भी मिलेगी। यहाँ पे कोई भी इनवैलिड चीज करने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ कोई बच्चा नहीं आएगा और कोई पेट नहीं आएगा। उसके बाद ये प्रॉमिस कर देता है और इसका कार्ड जो होता है वो अपडेट कर दिया जाता है और उसको मिलने वाला होता है। उसके बाद ग्रैंड हार्ट वहां से चला जाता है और जो दूसरा वाला होता है जॉर्ड वो उसको लेके चला जाता है लेबरिंथ पे। लेबरिंथ के एंट्रेंस पे ये लोग पहुंचते हैं, अंदर जाकर देखने को मिलता है जो बदबू होती है काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये स्टिल बेटर होता है सब्सटेंस एक्स से, इसलिए ये नॉर्मल फील कर रहा होता है और कह रहा होता है वहां देखने को मिलता है ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी को सिंपली प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसको हरा देता है। ये दिखाने के बाद ही वो तुरंत वहां से भाग जाता है और कह रहा होता है कि अब बाकी चीजें तो ये संभालनी है, और प्यूरिफिकेशन स्पेल जो होता है वो लुशियल है वो ऑलरेडी सीख चुका होता है यहाँ आने से पहले। उसके बाद ये तैयार होता है, अपनी तलवार लेता है, आगे बढ़ने लगता है, मैप बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसको एक ग्राफ पेपर मिला होता है, उसके ऊपर वो बना रहा होता है मैप। आगे देखने को मिलता है कुछ जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो आगे नजर लगते हैं, ये पेट्रिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है और सारे के सारे जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो हार जाते हैं, और इसके लिए काफी ईजी होता है, हालांकि वो थोड़ा सा डर जरूर जाता है। हालांकि जो इसका लेवल होता है वो इसका लेवल बढ़ता नहीं है, और ये कह रहा होता है कि ये इल्यूजन है या ट्रेनिंग एरिया है, मेरा लेवल आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। लेकिन इसको 20 मिलियन मंथ दिख रहा होता है और कह रहा होता है उसके लिए तो मैं कुछ भी काम करूंगा, और ये आगे बढ़ने लगता है। अपनी तलवार के ऊपर पेट्रिफिकेशन स्पेल मार देता है, उसकी जो तलवार होती है वो चमकदार बन जाती है, आगे बढ़ने लगता है। देखने को मिलता है आगे ज़ॉम्बी आते हैं, उनका काटना शुरू कर चुका होता है और जितने भी वहाँ दिख रहे होते हैं वो काटते काटते ही आगे बढ़ रहा होता है। ये चीज इसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। उसके बाद वो इस्तेमाल करता है हील जो होता है वो ज़ॉम्बीज के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर हाथ पे वो जो खून होता है वो लग जाता है। उसके बाद वो रिकवर करता है और आगे बढ़ने लगता है, सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है लेबरिंथ के, और वहां पे फिर देखने को मिलता है विलो विस्प और उसको क्लियर करता है और आगे बढ़ने लगता है। और ये सारी चीजें उसके लिए बहुत आसान होती है। उसका जो लंच होता है वो रहता है, साथ ही रहता है सब्सटेंस एक्स, जिसको खा पी के वो और आगे बढ़ने लगता है। जो सब्सटेंस एक्स होता है उसको देख के जो मॉन्स्टर होते हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, और सब्सटेंस एक्स से दूर रहते हैं सारे के सारे मॉन्स्टर। और इसी तरह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और मारता हुआ स्केलेटन को बढ़ रहा होता है, और पेट्रिफिकेशन स्पेल का अपने इस्तेमाल करता रहता है। जो इसका फर्स्ट डे होता है ये काफी अच्छे से बीत जाता है और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, एपिसोड जो था वो काफी ज्यादा बढ़िया था और देखने में काफी ज्यादा एंटरटेन। तो इस वीडियो में इतना रखेंगे, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।